सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर से, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया है। इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कैंपेन अभी हाल ही में कल से शुरू हुआ है, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसको लेकर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर निशाना साधा और सबसे अपील की कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहे हैं। कांग्रेस के कैंपेन मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम पर कांग्रेस बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि इस दशहरा उस रावण का दहन करना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार उपचुनाव की तारीख जिस तरह से नजदीक आती जा रही है, वैसे ही जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दिनेश गुर्जर के विवादित बयान से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जहां अब मैं भी शिवराज का कैंपेन चलाया गया था बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इस कैंपेन को चलाया और अब इस कैंपेन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई। और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर अब राम की एंट्री भी हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से, जहां अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा और पलटवार किया कि इस दशहरा उस रावण को दहन करना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विशेष संवाददाता शरद व्यास जुड़ गए हैं। शरद, अब हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया बीजेपी नेता का, जहां उन्होंने कांग्रेस के कैंपेन पर निशाना साधा और लिखा कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहे हैं। देखिए, चुनाव में लगातार अलग अलग प्रकार के जो बयान हो रहे हैं, उस बयान से अलग अलग प्रकार के एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक भूखे नंगे जिस बात को लेकर पूरा कैंपेन चल रहा था, अब वो राम और पुरुषोत्तम के ऊपर आगे टिक चुका है। जब पुरुषोत्तम के ऊपर जब उन्होंने लिखा मैं भी पुरुषोत्तम, एक मुहिम और एक पोस्टर जारी किया कांग्रेस की ओर से, तो इसके ऊपर हितेश वाजपेयी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, पूर्व निगम मंडल के अध्यक्ष भी है, तो इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से कहा कि इस दशहरे पर उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचने का ढोंग कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है, अब ये अंततोगत्वा जो अभी तक पारंपरिक रूप से जो चलती आई और राम पर, वो राम पर आ चुकी है और अब राम से ये जो है आगामी चुनाव जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर राम के माध्यम से चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर राम की एंट्री हो चुकी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया और उन्होंने कांग्रेस के कैंपेन मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम पर निशाना साधा और लिखा कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर अब राम की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में लगातार जैसे शिवराज सरकार कैंपेन चला रही थी कि मैं भी शिवराज, उसके पलटवार में कांग्रेस ने कल ही अपने कैंपेन को लॉन्च किया और उस कैंपेन में लिखा कि मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस पर अब बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया और पलटवार किया और कहा कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से।